अच्छा भैया, आज रघुनाथ महतो जी का जो फादर दिवस है, तो थोड़ा उनके बारे में बताइए, उनका क्या योगदान रहा है आप? दादा सबसे पहले सवाल ठीक कर, खतियानी जोहार, क्या योगदान नहीं रहा? पूरा देश जान रहा कि चुहाड़ विद्रोह का सबसे पहला महानायक, उस टाइम पूरे देश गुलामी था, पूरा कुर्मी कौम आदिवासी में था, क्योंकि 51 के बाद हम लोग आदिवासी में हटे हैं, तो पूरा कुर्मी आदिवासी में था। और पहला महानायक जो अंग्रेज को लगान देने से मना कर दिया और पूरे देश को कैसे लड़ा जाता है ये हिम्मत दिया, और वो हमारा कुर्मी कबीला का था, और पूरा अंग्रेज जिनको देखने से थर थर कांपते थे, आज बता दे रहे हैं, इसी का परिणाम है कि CNT एक्ट जो हम लोग का लैंड कानून है, वही लड़ाई के बाद से अंग्रेज समझ गया था कि लोग को अपना एक कानून दे दो, इन लोग से लड़ो मत, और उसी का परिणाम है कि आज देखिए हम लोग राज्य में भी CNT एक्ट चालू है और बहुत जमीन हम लोग का बचा हुआ है। लेकिन दूसरे समाज के लोगों का कहना है कि कुर्मी समाज उनके नाम को लेकर राजनीति कर रहे हैं। सबसे पहले भैया ककरा कहना है? जो समाज कह रहा है वो कह दे कि रघुनाथ महतो नहीं है, KBC का जो अमिताभ बच्चन वो झूठ बोलता है, कह दे कि जो किताबों में पढ़ाया जाता है 6th क्लास तक कि चुहाड़ विद्रोह का महानायक रघुनाथ महतो, फाड़ दे वो सिलेबस, फाड़ दे वो किताब, अगर झूठ है तो भैया आप कहाँ कहाँ से मिटाओगे? मेरा कहना एक चीज़ जान लीजिए कि लिखतम के आगे बकतम नहीं चलता, और मुंह के दम पे आप किसी करेक्टर को इस देश में नहीं थोप सकते हैं, किसी करेक्टर को किसी किताबों में नहीं थोप सकते हैं। नहीं तो करण महतो के बारे में हमारा समाज आज बोल देगा झारखंड है दी वालों माइन जीप तुम की माइन जीप तुम ना मानव तुम, तो फिर ईटा कैसे मानव तुम? कहीं ना कहीं ये सच्चाई है। हाँ, और किन्हीं समुदाय के लोग भी लड़े होंगे, मेरा कहना है JMM बनाया था विनोद बाबू ने, लेकिन आज विनोद बाबू अध्यक्ष है क्या? गुरुजी उसको एकदम घर का पर पट्टी बना के रखा हुआ है JMM पार्टी को, तो कहीं ना कहीं शुरुआत रघुनाथ महतो ने किया था, इसी बात को हम लोग मान रहे हैं। फिर बाद में और लोग आए होंगे और महानायक होंगे, तब तो कोई लड़ाई 28 साल चला, 30 साल चला। 2008 में चुहाड़ लड़ाई खत्म हुआ, 1779 में चालू हुआ, तो ये जो 20-22 साल का जो टर्म था, 30 साल का, तो पार्ट बाय पार्ट कोई आगे लड़ा होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रघुनाथ महतो ने इसकी शुरुआत की थी, फिर लोग आए होंगे लड़े होंगे, सबका स्वागत है, लेकिन ना कहत कि हमर की ध्रुआ स्मार्ट और लोकेक्टर ले ला इगला ना चलतो, क्योंकि रघुनाथ बाबू थे हैं और हम कुर्मियों के दिल में रहेंगे, इसको कोई निकाल नहीं सकता। इतिहास बहुत विवादित विषय है, सरकार अपना अपना हिसाब से इतिहास को लिखता है और गढ़ता है समय समय पे। ऐसे जो लोग एक बात बता रहे, जो लोग रघुनाथ महतो का विरोध करते हैं, उनका कहना है कि ऐसा कोई लिखित प्रमाण या साक्ष्य उस समय का या उस कालखंड का मौजूद नहीं है जो ये साबित करे कि रघुनाथ महतो एक शहीद थे या स्वतंत्रता सेनानी। एक बात हम थोड़ा बता दियो, जिस किताब से ये पूरा कहानी के लिए इतनी जो कंट्रोवर्सी चल रही हो या जो आपस में टकराव चल रहा हो, झारखंड के समर का था कि वो आप पढ़ लिया और 76 पेज वो पार कर लिया, नावा में जो पार हो ने, नाव में जो पार हो रहा है, दो मुठी भैया उसी पे उठाते हैं वो लोग। सुनिए हम बोल रहे हैं दादा, बातवा सुन, ये मेरा बात नहीं भैया, बातवा सुन, कहीं ना कहीं झारखंड के समर का था, कितवा पढ़ लिया और जे तू मुहानी घाट में नावा में पार है रहा लो, 7 आदमी कितवा के हीरो उसमें करण महतो और पहले खड़ा जब बुक लिखा जा रहा था। तो कहीं ना कहीं एक बात आपको हम बता दे रहे हैं कि भैया लोग बोलेंगे, लोगों का काम है बोलना, मेरा एक चीज बताइए कौन देखा था? एक बात हम आपको बता दे रहे हैं, अगर इस तरह अगर लोग चाहेंगे तो हर करेक्टर में विवाद है। सुभाष चंद्र बोस गायब हो गए, आज तक किसी को पता नहीं चला, वो भी विवाद है। अगर विवाद करिएगा तो एक चीज़ हम बोलना चाह रहे हैं, जबकि बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर बात उठेगा तो हर किसी पे उठेगा, एक चीज़ आप बताए। दूसरा, एक किसी महानायक का इतिहास बता दीजिए, एक महानायक का इतिहास बता दीजिए, एक महानायक का, ऐसा कुछ नहीं। और कुछ लोगों को लगता है कि उनके समाज के भी नायक थे, तो थे, हम कहाँ विरोध कर रहे हैं? भैया आपके समाज का है, हम लोग को दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा जो है वो है, इसको में कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये हम लोग का है और रहेगा। क्या दादा, रघुनाथ महतो पर सवाल नहीं होना चाहिए। जो ताज़ा विवाद है, जैसे यहाँ पे
बोला गया कि NHAI ने परमिशन दिया है यहाँ पे पार्क बनाने के लिए रघुनाथ महतो के नाम पे, उसका नामकरण करने के लिए। उसके बाद पता चल रहा है, खबर आ रही है कि कल कुछ नाम कुछ लोगों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज की गई, FIR हुआ है। और NHAI का ये कहना है और यहाँ के चेयरमैन का कि ये पूरा का पूरा फर्जी है। कौन चेयरमैन का कहना है? NHAI का। NHAI चेयरमैन कैसे कहेगा जब उसने लिखित दिया है? तो जब NHAI सुनिए, NHAI विभाग चेयरमैन का बाप का तो ऑफिस है नहीं। जब विभाग ने दी है जमीन आमंत्रित तो दी है, और नहीं तो फिर वैसा हम लोग भी नहीं मानेंगे। रोड NHAI का है, NHAI का है, रोड कैसे है? क्या सबूत है? ये जमीन तो हमारा बाप दादा का है। क्या सच है कि केस हुआ है या नहीं? एक चीज आपको हम बता दे रहे हैं, अगर किन्हीं को लगता है कि किसी चीज को विवाद करके, अगर किन्हीं को लगता है कि किसी चीज को थोड़ा सा खोज करके हम अपना कर लेंगे, तो वो गलत फहमी में है, वो दूर कर ले। दूसरी बात भैया, सवाल सीधा है, FIR हुआ है कि नहीं हुआ? भैया FIR हुआ है या नहीं वो तो थाना प्रभारी बताएगा, हमको जानकारी नहीं है। पहला चीज, FIR हुआ है या नहीं हमको जानकारी नहीं है। हाँ, करण महतो पे झारखंड की अभी खतियान लड़ाई में FIR हुआ हमको पता है, दूसरा किसी का हमको नहीं जान रहा दादा। ठीक है, ये बात क्लियर है। अगर FIR हुआ दादा लोग बोलेंगे, बात रखे जाएंगे, फिर लड़ा जाएगा। देखिए, क्रांतिकारी या संघर्ष जो करता है भैया, उसी का FIR होता है। जो घर में बीवी का पल्लू में छुप कर उसका केस होता है क्या? जो मर्द जैसा बाहर रहता है उसी का केस होता है। और केस जो माटी के लिए, जो क्रांतिकारी के लिए, जो हमारे बलिदान के लिए अगर खा रहा तो बहुत अच्छी बात है। उन लोगों ने जान दिया, हम एक केस नहीं खाएंगे उनके लिए, तो एकदम खाना चाहिए। अगर हुआ है तो अच्छा हुआ है। आगे की रणनीति आपकी क्या होगी यहाँ पे मूर्ति के? हम स्पष्ट बता दे रहे हैं, हम लोग ये पार्क बनाएंगे 2 एकड़ जमीन में, इसके लिए जो होगा। और एक बात बता दे रहे हैं कि रघुनाथ बाबू पूरा देश के लिए जान दिया है, जरूरत पड़ेगा तो उनका वंशज उनके लिए 500 सर और दे देंगे, दे देंगे और 500 सर दे देंगे। कब तक अनावरण होगा? डेट के लिए नेक्स्ट टाइम आज है ना, प्लेस के लिए नेक्स्ट टाइम जरूर। नियोजन नीति लागू करने वाले हैं क्या? एक साथ दोनों नहीं लो, अलग अलग ले लो, 60-40 अलग बोलेंगे। रघुनाथ महतो बड़ा टॉपिक, हम लोग सरकार को अल्टीमेट दे दिए हैं, वो प्रशासन का काम है। हम लोग विवाद नहीं चाहते हैं, प्रशासन अपने स्तर से हटाएगा। और नहीं तो हम एक बात दोहरा दे रहे हैं रघुनाथ बाबू का 2 लाइन कि जब हम लोग टायर से नहीं डरे तो अब क्या कायर से डरेंगे, जब हम लोग गोरों से नहीं डरे तो बागमारा का चोरों से डरेंगे। जब मन करेगा हटा देंगे, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। जब मन करेगा हटा देंगे, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। और एक बात बता दे रहे, यहाँ जो लोग आए हुए हैं, ये तस्वीर और ये दोनों तस्वीर बदलना चाहिए, नहीं तो कुर्मी रोड पे उतरने को तैयार रहेगा। जय ग्राम, जय जोहार, जय झारखंड। और बंगाल में आज रेल रोका टाइट हो, 10 दिन बाद ही खेला आते, चिंता करे नहीं अगर हमें ये जमीन देने में कोई आनाकानी करेगा तो आज कुर्मी समाज रेल रोक दिया, 38 ट्रेन रात, 8 ट्रेन का रास्ता चेंज हो गया। तो सोचिए कोयलांचल और बोकारो का, कुर्मी अगर यही रोड में उतरेगा तो नज़ारा क्या होगा। इसलिए प्रशासन का काम है, प्रशासन को करने दीजिए, नहीं तो फिर हम लोग अपने आस्था के लिए, अपने रघुनाथ बाबू के लिए हम लोग किसी भी हद तक जाएंगे। इसके लिए कोई सोचने का जरूरत नहीं।